रिलेशनशिप में धोखा क्यों मिलता है, कपल्स के बीच में ब्रेकअप क्यों हो जाता है। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप में धोखा क्यों मिलता है या फिर कपल्स के बीच में ब्रेकअप क्यों हो जाता है। पहले ना, हम एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि जब भी हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तब हम उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और आगे वाला इंसान भी, यानी दूसरा इंसान भी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। मतलब एक दूसरे से हम काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ गलतियों के वजह से उस रिलेशनशिप में काफ़ी इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, प्यार भी कम हो जाता है और एक दूसरे को काफ़ी कम रिस्पेक्ट देने लगते हैं या फिर एक साइड से ये सारी चीज़ें होने लगती है। यानी एक इंसान दूसरे इंसान को इग्नोर करने लगता है, उसे रिस्पेक्ट नहीं देता है या फिर उसे वैल्यू नहीं देता है। तो आज हम इसी बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना आए या फिर आपके रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम ना हो, तो आपको ना एक चीज़ का, एक बात का हमेशा ख्याल रखना है। वो बात है कि अपनी पास्ट की बातें प्रेजेंट के रिलेशनशिप में शेयर मत करो। अगर आप फॉर एग्जांपल एक लड़का हो, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार बता रहे हो कि मैंने मेरे एक्स के साथ ये चीज़ें किया था, मैंने मेरे एक्स को यहाँ टच किया था, मैंने मेरे एक्स के साथ सेक्स किया था, ये चीज़ें मत बताओ। ये चीज़ें पास्ट में है, पास्ट में ही रहने दो। अगर आप उन सारी बातों को प्रेजेंट में ला रहे हो तो इस वजह से आपका रिलेशनशिप कमज़ोर ही होगा, स्ट्रांग नहीं बनेगा। इसीलिए इस चीज़ को समझो, जो पास्ट में हो चुका है उसको पास्ट में ही रहने दो। जो बातें आप बता सकते हो या फिर सारी बातें एक बार में ही क्लियर करो, एक बार में ही बता दो, लेकिन आप हर बार दूसरे इंसान को बता रहे हो, यानी अपने गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को अपने पास्ट के बारे में बता रहे हो, तो इससे आपका रिलेशनशिप कमज़ोर होगा, स्ट्रांग नहीं बनेगा। इसीलिए इस चीज़ को समझो, पास्ट की बातें प्रेजेंट पे मत लाओ। अगर आप पास्ट की बातें प्रेजेंट में ला रहे हो तो इससे आपका फ्यूचर खराब होगा, प्रेजेंट भी खराब होगा और फ्यूचर भी खराब होगा। तो इसीलिए पास्ट की बातों को अब भूल जाओ, उन बातों को भूल कर आगे बढ़ो। अगली बात है कि ऑनेस्ट रहो। रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने में, रिलेशनशिप को काफ़ी लंबे समय तक, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप लाइफ टाइम के लिए रहे, आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बने, तो ना रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहो। जब तक आप रिलेशनशिप में ऑनेस्ट नहीं रहोगे, जब तक आप ईमानदार नहीं रहोगे, तब तक आप आगे वाले इंसान से प्यार एक्सपेक्ट मत करो। अगर आप आगे वाले इंसान के साथ झूठ बोल रहे हो, यानी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झूठ बोल रहे हो या फिर बॉयफ्रेंड के साथ झूठ बोल रहे हो, तो वो भी इंसान धीरे धीरे आपसे झूठ बोलना स्टार्ट करेगा और इस वजह से रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए जो है वो है, झूठी बातें मत करो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सारी चीज़ें रिलेशनशिप में अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए ऑनेस्ट रहने की हमेशा कोशिश करो, इधर उधर की फालतू की बातें रिलेशनशिप में मत करो, या फिर आगे वाला इंसान ना आपको हल्के में लेना स्टार्ट कर देगा, आगे वाला इंसान आपकी वैल्यू कम करना स्टार्ट कर देगा। वो आपको बोलेगा नहीं, लेकिन उसके नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट कम हो जाएगी अगर आप बार बार झूठ बोल रहे हो तो। इसीलिए रिलेशनशिप में हमेशा ऑनेस्ट रहो, हमेशा उस इंसान से अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो जो है वही बातें करो, फालतू की और झूठी बातें मत करो, इससे रिलेशनशिप कमज़ोर होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। अगली बात है कि बार बार ब्लेम करना बंद करो, अगर आप करते हो तो। काफ़ी सारे रिलेशनशिप में यही गलती होती है। अगर आप एक लड़का हो तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार बोल रहे हो कि किसी लड़के के साथ कुछ है, ऐसा बार बार उसे ब्लेम कर रहे हो, तो इस वजह से रिलेशनशिप कमज़ोर होगा, वो इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। आप ये मत सोचो कि अगर आप उसे बार बार ब्लेम कर रहे हो इससे आपका रिलेशनशिप को कुछ नहीं होगा, और जब आपका ब्रेकअप होगा तब आपको ये सारी चीज़ें समझेगी। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेकअप ना हो, तो इन सारी चीज़ों को हमेशा अपने माइंड में रखो कि आपको आगे वाले इंसान को ब्लेम नहीं करना है।
आगे वाले इंसान को ब्लेम तब ही करो जब आप 100% श्योर हो किसी चीज को लेकर। आप बैठो एक बार कॉल पर या फिर मिलकर सारी चीजें एक बार में ही क्लियर करो। बार बार उस इंसान को ब्लेम मत करो। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको लगता है कि वो किसी लड़के से बात करती है उस वे में, तब आप इन सारी चीज़ों को एक बार में ही क्लियर करो। मिलकर क्लियर करो या फिर कॉल पर क्लियर करो, लेकिन क्लियर करो। अगर आप ये बातें अपने मन में रख रहे हो, अपने तक ही रख रहे हो और बार बार ब्लेम कर रहे हो, और अगर आगे वाला इंसान गलत नहीं है, तो फिर आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। उस इंसान को आप समझाओ, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस चीज़ों को क्लियर करो। और ना एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि आगे वाले इंसान के फ्रीडम के बीच में मत आओ। काफ़ी सारे कपल्स यही गलती करते हैं कि वो आगे वाले इंसान की फ्रीडम छीन लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम व्हाट्सएप यूज़ नहीं करोगी, तुम इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करोगी, तुम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करोगी। हाँ, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ों को प्रमोट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें सोशल मीडिया यूज़ करने से मना करो, या फिर उन्हें घूमने फिरने से मना करो, अपने फ्रेंड से बात करने के लिए मना करो। आप उनकी फ्रीडम ले रहे हो। आगे वाला इंसान आपको नहीं बताएगा, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करेगा। इसीलिए जो बात सही है, जो बात उनके लिए ठीक है, वही बात के लिए उन्हें मना करो। आप बेवजह हर चीज़ के लिए उन्हें मना कर रहे हो, तो इससे आपका रिलेशनशिप से इंटरेस्ट भी कम होगा, आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बनेगा। इसीलिए रिलेशनशिप को, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चले, लाइफ टाइम के लिए चले, तब इन सारी बातों का आपको काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। बेवजह किसी को ब्लेम मत करो, रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहो, पास्ट की बातों को प्रेजेंट में लाकर अपना फ्यूचर खराब मत करो, ठीक है। तो मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझसे कनेक्ट होगे, ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।